नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। आज पूरा देश जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की एकता और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। हिंदुओं से उन्होंने कहा कि हम सबको एक रहना होगा और बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में हाल में बिगड़े हालातों से सीख लेने की भी बात की। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के पुरानी मंडी चौराहे पर राष्ट्रवीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे। सीएम योगी लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को दुनिया की हर चीज दिखाई देती है, लेकिन पड़ोसी देश में हिंदुओं पर क्या हो रहा है, उन पर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो उन्हें दिखाई नहीं देता। वही हिंदुओं को लेकर सीएम योगी के इस बड़े बयान से अब सियासी गलियारों में उथल पुथल मच गई। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था। हालांकि सीएम योगी का यह बयान काफी हद तक जमीनी स्तर पर सच दिखाई देता है। अब हम आपको भारत के पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की हालात बताते हैं। कभी पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां तेजी से इनकी संख्या घट रही है। पर क्या वाकई ऐसा है, इसे थोड़ा आंकड़ों की मदद से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना था, तब वो दो हिस्सों का था। चलिए आपको ये आंकड़े अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान 85.8%, वही पूर्वी पाकिस्तान 72.8%, हिंदू आबादी 14.1% और पूर्वी पाकिस्तान में 23.1%, वही पश्चिम पाकिस्तान में मुस्लिम की आबादी 85.8% और 72.8%। वही आपको बता दें कि हिंदुओं में 14.1% और 23.2% आबादी रही पश्चिमी। वही आपको बता दें कि पश्चिमी में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, तब 1951 में पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 85.8% थी, तो वही हिंदुओं की आबादी 14.1% थी। तो उधर पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां मुस्लिम आबादी 72.8% थी, तो वही हिंदुओं की आबादी 23.2% थी। 1971 की बात करें तो 1971 में पाकिस्तान में जब जनगणना हुई तब बांग्लादेश बन चुका था। 2017 में हिंदुओं की आबादी घटी। इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में 2017 में मुस्लिम आबादी 96.5% थी, 2017 में मुस्लिम आबादी 92%, गैर मुस्लिमों की आबादी 3.7%, तो वही गैर मुस्लिमों की आबादी 7.8% थी। वही आपको बता दें कि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों पर हमलों की खबरें आती रहती हैं। जबरन धर्मांतरण भी कराना यहाँ आम बात होता है। बांग्लादेश में तो हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा जारी है। इस बीच सीएम योगी के बयान से सियासत भी काफी गर्म हो चुकी है। AIMIM चीफ
फसलुद्दीन ओवैसी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अब पलटवार कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम राज्य में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। राज्य में कई फर्जी एनकाउंटर किए गए। वहीं ओवैसी सहित कई विपक्षी नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर हमला बोला है। बांग्लादेश वही है जिसको भारत ने पाकिस्तान के दो चीथड़े कर दिए थे और शेख मुजीब को समर्थन दे कि हमने वहां पर एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार की फाउंडेशन डाली थी। आज वो देश चीन और आईएसआई के चलते धार्मिक कट्टरपंथ के रास्ते पर जा रहा है और जहां पे धार्मिक कट्टरपंथ जो देश जाएगा उस रास्ते पर, चाहे वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाए चाहे वो मुस्लिम राष्ट्र की तरफ जाए, सबसे पहले उन देशों में वहां की रहने वाली माइनॉरिटीज और जो प्रगतिशील तबके हैं उन पे हमला होता है। तो बांग्लादेश से कुछ सीखिए और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत की सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, पूरे विपक्ष ने, अलायंस ने, हम सब ने उनको ताकत दी है। जी, हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी समझ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हम नहीं बटने वाले, हम एक होकर के वोट करेंगे और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर हिंदुस्तानी इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और आपके भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से ये बयान दिया है तब से सत्ता के गलियारे में सियासत भी गर्मा गई है। कभी ओवैसी असुद्दीन ओवैसी का बयान आया, अलग अलग पार्टियों के नेता भी अब इस पे अपने अपने बयान दे रहे हैं और उनका सीधा कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे हिंदुओं को ये चेतावनी दी है कि अगर आप नहीं जगेंगे, अगर आप एक साथ जुटकर नहीं आएंगे तो आप लोग काट दिए जाएंगे। सीधे सीधे इन्होंने बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है, ऐसे में आपको सीख लेना चाहिए। इससे पहले आगे जानकारी देने के लिए बीजेपी से हमारे प्रवक्ता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, हिंदू को एक होने की बात कही गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जो बयान दिया है इस पे अब ओवैसी का पलटवार भी आया है, लेकिन क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने की मंशा से की गई है? नहीं, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का जो बयान है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, क्योंकि हमको एक होना है विकास के लिए, हमको एक होना है अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमको एक होना है कि कोई भी अराजक तत्व तो कभी भी किसी भी रूप में हमारा शिकार न कर पाए, क्योंकि जो हमारा मूल रूप से जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो एकत्व की बात करता है और विश्व बंधुत्व की भी बात करता है। अयम निजः परो वेति गणानाम लवचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव सकुटुम्बकम्। ये विश्व ही हमारा घर है और निश्चित रूप से इस विश्व में शांति और उसकी जहां तक बात आती है वो बिना सनातन धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के संभव नहीं है। और वो तब संभव है जब हम एक होके और तमाम प्रकार के जो बातें हैं विश्व के पटल पे हम कहते हैं तब कहीं ना कहीं, इसलिए एक होने की बात उन्होंने कही है। लेकिन बालकृष्ण जी, भारत में जहां हिंदू मुसलमान सारे धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में साफ साफ ये बोलना, हिंदुओं की एकता पे बात कहना, तो क्या कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक है उनको ये डराने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए? अगर हिंदुओं की एकता से किसी को डर लगता है तो फिर उसको डर लगना चाहिए। हिंदुओं की एकता शांति के लिए है, सद्भाव के लिए है, विकास के लिए है। अगर इस एकता से डर लगता है तो इसका मतलब सामने वाले का जो चरित्र है, सामने वाले की जो मना स्थिति है, कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं दुराग्रह से ग्रस्त है। हिंदुओं की एकता, किसी अन्य की एकता, एकता तो अच्छी बात है ना, एकता की बात करना, विचारों की एकता और तमाम अन्य चीजों की, जिसे एकता की अगर हम बात करते हैं तो एकत्व की बात है, अच्छी बात है, सकारात्मक अर्थों में उसको देखना चाहिए।
बालकृष्ण जी, लेकिन सीएम योगी का एक तरफ तो ये कहना कि जो समाज, जाति और भाषा के नाम पे लोगों को बांटते हैं उससे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर और खुद ऐसा बयान देते हैं, ये कहाँ तक सही है? मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण है। अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार देखिए जो 2012 के बाद आती है, तो मुजफ्फरनगर के दंगे में 60-70 हजार लोगों से ज्यादा पलायन किए गए और 100 के आसपास लोग मारे गए थे। इन लोगों की सरकारें जब आती हैं तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की बात करती हैं, जातिवाद के आधार पे ये सरकारें आती हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो एक बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसका पूरा शोषण आरंभ हो जाता है, क्योंकि हिंदू स्वभावतः कभी वो किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होता है, शांतिप्रिय होता है। तो क्या शांतिप्रिय होना हमारा कोई गुनाह तो है नहीं? देश को शांति में बनाए रखना कोई गुनाह तो है नहीं? लेकिन उसके बाद भी यदि हमारा शोषण होता है और इस प्रकार से हम मारे जाते हैं बहुसंख्यक होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं शांति के लिए हमारा एक होना जरूरी है, हमारा शक्तिमान होना जरूरी है। उस संदर्भ में ये बात कही। जी बालकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, और योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान आया है कि सबको एक साथ जुट के रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको पार्टियां इस विषय में ले रही हैं कि उन्होंने हिंदुओं की एकता पे बात की है और अल्पसंख्यक को डरा रहे, ये कहाँ तक सही है? धन्यवाद आपको और आपके प्लेटफॉर्म का। जी सही बात, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पे काम करते थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल पे करना काम कर रही है, शुरू से बंटवारे पे काम कर रही है। धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाना असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक तथा बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो स्वच्छ चुनाव को संपन्न कराने पर जिल लगाता है। ठीक है जी। रही हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है और मुख्यमंत्री जी से है, प्रधानमंत्री जी से है कि नोटबंदी व जीएसटी से कारोबार तबाह क्यों हुआ? नजूल व वक्फ भूमि को हड़पने की कोशिश क्यों की गई? महिलाओं का शोषण करने वालों को राजनीतिक आश्रय क्यों दिया? लेकिन वैभव बांग्लादेश में तो हो रहे हैं ना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस समय तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। और अब जब योगी आदित्यनाथ सीधे सुनिए, योगी आदित्यनाथ अब जब हिंदुओं को एक रहने की कोशिश करे तो फिर दूसरी पार्टियां फिर इतना क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे हुआ उस वक्त तो किसी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। अगर आप वर्तमान उनके विधायक और सांसद का आप डेटा उठा के देखोगे तो 52 ऐसे वर्तमान विधायक और सांसद हैं जो महिला उत्पीड़न में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धमकाना, लड़ाना, ईडी सीबीआई से डराना, देश को बांटना, कभी भी स्वच्छ राजनीति नहीं करती है। कभी एक समय ऐसी लेकिन अभी हमने अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वहां हिंदुओं की आबादी दिन ब दिन कैसे घटती आई है, और इसका ताजा उदाहरण आपने बांग्लादेश में भी बोला। तो अगर ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ये बयान देते हैं तो कहाँ तक गलत है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला चीज लिखा है धर्म निरपेक्ष। तो अगर वो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते, तो कैसे मुख्यमंत्री हैं? अगर वो अगर अपने आप को संत बताते और एक संत ऐसा बयान देता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। भाई मुख्यमंत्री जी कभी नहीं ये बात नहीं की कि 69,000 भर्ती में आरक्षण का हक क्यों मारा, नौकरियों की जगह संविधान की व्यवस्था लाकर आरक्षण का अधिकार क्यों छीना, पुलिस भर्ती में हेरा फेरी क्यों हुई, नीट व अन्य पेपर लीक क्यों करवाए, पैसे वालों को लाभ पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्लियामेंट बोले का सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदंबरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं, बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है।
समाजवादी पार्टी के मुखिया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी हमला बोला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सीएम योगी के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बदलाव आता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे खबरों में। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अयोध्या अब बदलापुर बनने जा रहा है। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मिल्कीपुर ये विधानसभा सीट अयोध्या मंडल में आती है। यहाँ अवधेश प्रसाद विधायक थे जो अब अयोध्या से जीत कर सांसद बन चुके हैं। बीजेपी के चुनावी इतिहास में अयोध्या वो सीट बन चुकी है